हेलो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करते हैं दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे ग्रुप 4 सिक्योरिटी गार्ड का फैसिलिटीज़ के बारे में बताने वाले हैं, जो ड्यूटी फैसिलिटीज़ क्या देता है सिक्योरिटी गार्ड में अगर ज्वाइन करते हैं तो ग्रुप 4 सिक्योरिटी गार्ड में। तो पूरा डिटेल्स में जानेंगे, क्योंकि हम SAS पे भी वीडियो बना रखे हैं बहुत सारे, और मैं ऐसे SAS में हूँ भी अभी, तो उसमें क्या फैसिलिटीज़ है उस पर भी वीडियो बना रखा। आज मेरा स्पेशल वीडियो है ग्रुप 4 में क्या फैसिलिटी है, क्योंकि अगर कोई जॉब करना चाहता है सिक्योरिटी गार्ड में तो ग्रुप 4 ही देखता है पहले, चाहे SAS ही देखता है। तो चलिए हम ग्रुप 4 के डिटेल्स में जानते हैं। और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपको सिक्योरिटी फील्ड का पूरा से पूरा इन्फॉर्मेशन दे सके। दोस्तों मेरा एक सेकेंड चैनल हैप्पी ब्लॉग्स, वहाँ पर मैं लिंक दे दूँगा, और वहाँ पर भी आप मुझे सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपना जितने भी ब्लॉग्स बनाए हिस्टोरिकल प्लेस पर तो आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ग्रुप 4 में अगर ज्वाइन करते हैं आप, तो सबसे पहले इसमें एक फैसिलिटी है जो आपको कम फीस में ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। SAS में 7,000 है, तो आपको ग्रुप 4 में 2500 से 3,000 में आपको ज्वाइनिंग फीस है, और आपको ज्वाइनिंग दे देगा। कम से कम 12 दिन का आपको इसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा, और 12 दिन में ट्रेनिंग के बाद आपको पोस्ट आउट कर दिया जाएगा, पोस्ट पे भेज दिया जाएगा, कहीं ना कहीं ड्यूटी दे ही देगा, और आपको 25 से 3,000 तक में फीस लेगा। आपको 12 दिन ट्रेनिंग देगा, रहने खाने का 12 दिन व्यवस्था ग्रुप 4 ही करेगा। तो ये स्टार्टिंग में हो गया। और फैसिलिटी का अगर बात किया जाए तो आपको यूनिफॉर्म दिया जाएगा, जो कि यूनिफॉर्म को 2000 से 2500 रुपये जो अगर आपको डेबिट करेंगे महीने में किस्त बाय किस्त करके काट लिया जाएगा। तो ये बेस्ट फैसिलिटीज है ज्वाइनिंग को लेकर के। अब सिक्योरिटी गार्ड की हम ड्यूटी का बात करेंगे किया जाए, तो दोस्तों आप ग्रुप फोर में कहीं भी 8 घंटे या 12 घंटे का ड्यूटी करते हैं, तो सबसे नंबर वन फैसिलिटी है आपको 4 दिन का छुट्टी दिया जाएगा। आप महीने में 4 दिन किसी भी दिन सप्ते में 1 दिन ड्यूटी छुट्टी मार सकते हैं, चाहे 8 घंटा का हो या 12 घंटा का। और दोस्तों ये फैसिलिटी के साथ साथ में सबसे इसमें एक स्पेशल फैसिलिटी है कि आप इसमें जो है CLPL का सुविधा, जो कि SAS से किसी भी सिक्योरिटी में नहीं है। CLPL बोले तो उसमें कैजुअल छुट्टी माना जाता है, जो आपको महीने में एक दिया जाएगा CLPL। आपको कोई इमरजेंसी छुट्टी लेना पड़ गया तो आप वो छुट्टी एक ले सकते हैं महीने में, या मेडिकल बोलो जो भी बोलो आप, CLPL अगर एक दो हो गया, ये 2 छुट्टी आप महीने में आराम से मार सकते हो, और जो है उसका जो है आपको सैलरी देगा ग्रुप 4। आपको 4 छुट्टी वो हो गया और CLPL ये हो गया, और ये इसका अप्रूवल आपका फील्ड ऑफिसर या चाहे ऑपरेशन मैनेजर ही अप्रूवल कर सकते हैं, जिसका आप अगर CL लगाते हैं, कैजुअल लीव बोलते हैं उसको, और जो है ये CLPL अगर लगाते हैं तो आपको 2 दिन का छुट्टी एक्स्ट्रा दिया जाएगा, और ये आपका फील्ड ऑफिसर अप्रूव्ड करेगा, इसका भी पेमेंट आपको देगा। तो CLPL का स्पेशल ऑप्शन रहता है, फैसिलिटीज दिया जाता है ग्रुप 4 में, जो कि SAS में बिल्कुल नहीं है। और इसमें तीसरा फैसिलिटी का बात किया जाए ग्रुप 4 में, तो आपको जो अगर महीने में ड्यूटी करते हैं तो महीने के हर साल में दिवाली से भाई 5 दिन पहले आपको बोनस पहले दिया जाएगा, जितना आपका सैलरी है। बोले तो 18,000 आपका सैलरी है तो आपको 18,000 बोनस दिया जाएगा, 1,000-2,000 कम ज़्यादा रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फैसिलिटी ज़बरदस्त है, जो कि ये SAS में नहीं है। और मैं दोस्तों इसका स्पेशल बता दूँ, जो महीने में अगर आप ड्यूटी फैसिलिटी, ये बोनस के बारे में मैं एक बार चर्चा कर दूँ। जो बोनस वो दिया जाता है, जो आपको जो महीने का जो एक दिन महीने में जो ड्यूटी करते हैं उसमें 1 दिन का जितना पेमेंट बनता है वो आपको 12 महीने का जोड़ लो। अगर 600 रुपया अगर महीने में आप दिन में अगर पर डे आपका 500 रुपया मान लो, 500 रुपया प्रतिदिन है, तो आपको 12 महीने का जोड़ लो, जो कितना हो जाता है 6,000। तो 6,000 बोनस दे दिया जाता है, और उसका जो कुछ परसेंटेज आपको कंपनी भी ग्रुप 4 भी देता है, तो जितना सैलरी रहता है उतना आपको बोनस दिया जाता है साल में एक बार। ये फैसिलिटी नंबर 1 है ग्रुप 4 का। दोस्तों हम ज्वाइनिंग के बारे में बता दें, फैसिलिटी इस तरह से जो है दिया जाता है। और इसमें एक स्पेशल मैं बता दूँ ग्रुप 4 वाले का, जो आपको जो 2500 से 3,000 आपको जो फीस लिया जाता है दोस्तों, वो आपको जब रिजाइन करेंगे तो आपको वो 1 साल के बाद अगर रिजाइन करते हैं तो आपको वो दे दिया जाएगा पैसा। ये फैसिलिटी भी ज़बरदस्त है ग्रुप 4 में। और दोस्तों मैं इसमें बता दूं कि अगर आपको जब स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं तो 1 साल तक आपको CLPL नहीं देगा, आपको 1 साल के बाद ही काउंट करके 12 CLPL दे दिया जाएगा। 12 महीने में एक देता है, तो मैं 1 CL 1 PL, तो 24 हो गया, तो आपको महीने के लास्ट में ही 1 साल अगर कर लेते तो आपको फाइनली दे दिया जाएगा। अगर आप 2-4 महीना में छोड़ देते तो इसका जो है फ़ायदा आप नहीं उठा पाएंगे। ये हो गया आपको, और बोनस का बता दिए, CLPL का बता दिए। और दोस्तों अगर ग्रुप 4 में ज्वाइनिंग करते हैं तो ये ज़बरदस्त है रहता है ऑप्शन कि, और जो आप 12 घंटे करो या 8 घंटे करो, आपका एक छुट्टी मिलना कंपलसरी है। और दोस्तों सैलरी का बात किया जाए तो आपको मैं, सैलरी भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो सैलरी अगर आप 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं तो 12 से 16 हज़ार रुपये तक आपको 8 घंटा को मिलेगा।
और जो है 12 घंटे करते तो 16,000 से 20-22,000 रुपये तक आपको 12 घंटे में मिलेगा। 16,000 से स्टार्टिंग है। अगर आपके जिस हिसाब से नॉलेज रहेगा उस हिसाब से इंटरव्यू पास करते तो आपको उस तरह से मौका दिया जाएगा और सैलरी जबरदस्त होने वाला है। कहीं कहीं कम भी रहता है, कहीं कहीं ज़्यादा भी रहता है, वो डिपेंड करता है आप फील्ड ऑफिसर के कम्युनिकेशन में रहेंगे, उसके अंदर में रहेंगे। जैसे ही कहीं अच्छा साइड रहेगा, और खाने पीने का बात करें फूडिंग का, फूड का, तो वो रहते हैं, कहीं कहीं रहने का व्यवस्था देता है, कंपनी का डिपेंड करता है। अगर कंपनी रहने का सिस्टम दे रखा है, जिस कंपनी फैक्ट्री में आप ड्यूटी करते हैं वो कंपनी फैसिलिटी दे रखा है, तो आपको भी रहने का सुविधा दिया जाएगा, और ग्रुप फोर अपनी तरफ से कहीं नहीं देता है। अब खाना की बात है, जैसे बीकानेर वाला हो गया, हल्दीराम हो गया, कोई अगर रेस्टोरेंट है, होटल है, वहाँ पे अगर उसका गार्ड लगते हैं ग्रुप फोर का, अगर बाकी स्टाफ के लिए खाना है तो वहाँ पे ग्रुप फोर सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी खाना दिया जाता है। ऐसे ऐसे एस में भी सिस्टम है, कहीं कहीं पे खाना पीना मिलता है। तो दोस्तों ये आपको जो है फैसिलिटी है। और बाकी पीएफ की बात किया जाए तो पीएफ पेंशन एसएएस की तरह सेम है, 12-14% आपका काटा जाएगा, तो 12% जो है आपका सैलरी से, तो 12% आपको एसएएस आपका ग्रुप फोर भी पे करेगा, तो आपको 24% हो गया। तो ये हो गया पीएफ और पीएफ पेंशन का सिस्टम, इसमें भी सेम ही है जैसे आप एसएएस में देखे हैं। और दोस्तों बाकी अपडेट में ग्रुप फोर पर बहुत सारा वीडियो बना रखा हूँ, उसमें जाकर जा सकते हैं ज्वाइनिंग को लेकर के। मेरा अगले वीडियो कोशिश करूँगा जो अपना दिल्ली गुड़गांव एरिया में कितना ट्रेनिंग सेंटर है, कहाँ पे बेस्ट रहेगा ग्रुप फोर का ट्रेनिंग, वो भी मैं कोशिश करूँगा कैप्चर करने का। और आपको ग्रुप फोर में एक अच्छा करियर है, आप अच्छा जा सकते हैं, आपको उम्र के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको जो है प्रमोशन भी देता रहता है ग्रुप फोर में, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए। और बाकी मैं एसएस पे और ग्रुप फोर पे कंप्रोमाइजिंग वाले वीडियो भी बना रखा हूँ, वहाँ पर भी जा करके देख सकते हैं जो आपके लिए कौन बेस्ट होने वाला है। और आपको ड्यूटी के लिए बता दें तो आपको कॉल सेंटर हो गया, कंपनी फैक्ट्री ऑफिस, ये सब मिल सकता है आपको, और अच्छा से अच्छा सैलरी पे करता है ग्रुप फोर। और बाकी मैं बहुत जल्द जाने वाला हूँ ग्रुप फोर का ट्रेनिंग सेंटर, मेरे को भी ग्रुप फोर से ऑफर आया है जो आपको अच्छा पोस्ट देंगे, अच्छा सैलरी देंगे, तो आप ग्रुप फोर में आ जाओ एसएएस को छोड़ करके। तो बहुत जल्द मैं उस पर भी वीडियो बनाने वाला हूँ, मैं जाऊँगा वहाँ पर इंटरव्यू सब अगर देने के लिए ट्रेनिंग सेंटर, ग्रुप फोर वाले ट्रेनिंग सेंटर, तो हम बाकी वहाँ का अपडेट आपको ज़रूर देंगे जो ग्रुप फोर में क्या फैसिलिटीज़ है, और बाकी फैसिलिटीज़ तो हम आपको पूरा का पूरा एटीट्यूड बता दिए। अगर हम ट्रेनिंग सेंटर के बात किया जाए ग्रुप फोर का, तो ग्रुप फोर का अभी फिलहाल में एक पालम बिहार में है, एक नोएडा में, एक मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें से लोकेशन, उसमें मैं प्रॉपर लोकेशन दे दूँगा जो ग्रुप फोर में आप कहाँ ज्वाइन हो सकते हैं और कहाँ पे ड्यूटी कर सकते हैं। ड्यूटी करने का तो बहुत सारा पोस्ट है। अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं तो पहले किसी भी तरह अगर आप एक्सपीरियंस है आपके पास, पहले ऐसे ऐसे कोई सिक्योरिटास में कहीं किए हुए हैं, तो आपको 3 दिन ही ट्रेनिंग दिया जाएगा और 4th दिन आपको पोस्ट आउट कर दिया जाएगा, ड्यूटी आपको मिल जाएगा। अगर आप नए हैं, फ्रेशर है, तो 12 दिन जो है ट्रेनिंग करवाया जाएगा, वही 25,000-3,000 रुपये आपको फीस लेगा और खाने में रहने का व्यवस्था वही देगा। तो ये ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ है, एसएएस में 1 महीना ट्रेनिंग दिलवाता है और प्लस में 12,000-14,000 रुपये फीस लेता है, वहाँ पे भी रहने खाने की व्यवस्था है। तो आप अपना देख लीजिए जिसमें आपको बेस्ट लगे वो आप कीजिए। तो दोस्तों फिलहाल तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और मेरा अगला सेकेंड चैनल हैप्पी वो लोग वहाँ पे भी सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें।